हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट, और फ्रेंड्स ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अपडेट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपडेट पुराना लगे, लेकिन कुछ लोग तक ये बात अभी तक पहुंची ही नहीं होगी कि एनटीपीसी वैकेंसी पर जो है स्टे लग चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली स्टे लग चुका है, वो भी हाई कोर्ट के तरफ से। यानी कि अब सब कुछ कोर्ट के ऊपर है कि क्या होगा। अब आप कहोगे किस बात का स्टे लगा है, कौन सा मैटर है, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा बहुत पहले से जो जनवरी रिजल्ट वाले कैंडिडेट्स थे परेशान थे, कई बार केस पे केस किए, कैट में केस किए, नवंबर का डेट दे दिया गया और भी बहुत तरीके से उनको परेशान किया गया। तो फिर वो जल्द से जल्द हियरिंग कराने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। तो वहां पे अपनी बात रखे कि रेलवे हमारी बात सुने बगैर अपने वैकेंसी को आगे बढ़ाते जा रहा है और वैकेंसी पर रोक नहीं लगा रहा है। तो हाई कोर्ट ने एक ही दिन में ऑर्डर दे दिया फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये ऑर्डर शायद 1 सितंबर को आया है, आज 8 सितंबर है, ठीक है। ऑर्डर में साफ साफ बोल दिया गया है कि अब बिना मतलब कोर्ट के फाइनल ऑर्डर आने के कोई भी आने के पहले मतलब कि कोई भी काम रेलवे कर नहीं सकता, मतलब कि वैकेंसी कंप्लीट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब कहोगे अब कौन सा ऑर्डर आएगा, हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जब मामला कैट में चल रहा है तो कैट से ही फाइनल ऑर्डर आएगा। हम बस इतना कर सकते हैं कि रेलवे पर रोक लगा सकते हैं कि वो अपनी वैकेंसी प्रोसेस कंप्लीट ना करें बिना इनकी बातों को सुने, क्योंकि इनका यही कंप्लेन था कि ये केस किए थे तो इनका केस डेट इतना लंबा दे दिया गया जानबूझ करके ताकि कोई हियरिंग इस पे हो ना पाए और वैकेंसी कंप्लीट हो जाए। और मैं एक बात और बताता हूँ फ्रेंड्स, रेलवे के एडवोकेट ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी वैकेंसी प्रोसेस जो है अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अक्टूबर से पहले इनके मामले का निपटारा हर हाल में कर दिया जाए, अक्टूबर के पहले का। फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे मैं आज की वीडियो लाया अक्टूबर पहले, तो फ्रेंड्स स्पेशली कल का डेट दिया गया है, कल कहा जा रहा है फाइनल हियरिंग है। लेकिन ऑर्डर में ये भी लिखा है कि अगर कल फाइनल ऑर्डर आप नहीं दे पाते हैं तो इसके बाद एक दो हियरिंग ले लीजिए, लेकिन कम से कम 15 अक्टूबर के पहले आप फाइनल कर दीजिए कि ये पेटिशनर सही हैं या गलत है, तभी जो है वैकेंसी का प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज ये वैकेंसी लटक जाएगा, ठीक है। अभी तक ये पेटिशनर स्टे की डिमांड नहीं कर रहे थे, बस बात कर रहे थे रिजल्ट कैंसिल करने को लेकर, रिवाइज कैंसिल करने को। लेकिन जब ये देखें इनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर इन्हें स्टे का मजबूरन डिमांड करना पड़ गया, तो फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो स्टे का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि अभी के प्रेजेंट प्रोसेस पर स्टे लग गया है, आपका प्रेजेंट प्रोसेस चलता रहेगा। अभी आप देखे हैं गुवाहाटी का CBT2 का रिजल्ट आया है, ठीक है, आपका टाइपिंग टेस्ट का आंसर शीट आ जाएगा जल्दी। हाँ, जो साइको का रिजल्ट शायद वो अभी ना आए क्योंकि उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं बात करूँगा, बताऊँगा इससे किसको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहें। और फ्रेंड्स, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है NTPC कैंडिडेट्स के लिए, ये उनके लिए खास करके इंपॉर्टेंट है जो CBT2 के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं आगे के स्टेज के लिए, कुछ नंबर से बाहर हो गए हैं या फिर बिल्कुल बॉर्डर पे क्वालिफाई किए हैं, फाइनल सिलेक्शन का चांस नहीं है, तो उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये कह सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे और कैसे इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आप NTPC में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री सर्विसेज मिल जाते हैं, आपके क्वेरीज वगैरह सॉल्व किए थे, आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाते हैं, और बिल्कुल इसी नाम का हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो बिल्कुल आप ही की डिमांड पर बनाया गया है, उसका भी नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। तो ऐप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को भी और टेलीग्राम चैनल को भी, ठीक है। अब ऐप की बात करें तो आप जान रहे हैं अभी टीचर्स डे था 3 दिन पहले, तो इसका ऑफर चल रहा है विन बिग दिस समर सीजन इंडियन एजुकेटर फेस्ट, ठीक है, 4 से 8 सितंबर तक चल रहा है, यानी आज लास्ट डेट है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, आप 100 से ऊपर कोई परचेजिंग करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है, अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे। यहाँ पे आप 4 लाख तक के रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, ठीक है। तो जो कोर्सेज वगैरह है आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज जो है हमारे ऐप पे पड़े हुए, उसके स्टोर सेक्शन पे जाएंगे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, SSC हो, हर एक फील्ड का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपका कोई स्पेशल डिमांड है कि मुझे ये कोर्स नहीं दिख रहा है, मुझे चाहिए, तो अभी अवेलेबल करा दिया जाएगा कुछ समय में, ठीक है। आप बस मतलब
चैट पे बताइए कि आपको इस कोर्स की ज़रूरत है तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब बात करें कैसे इसमें क्या क्या करना है, तो फ्रेंड्स जैसा कि कोर्ट में क्या है ना, कैट में कल हियरिंग है, इसका 9, इसलिए मैं आज 8 को वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। कैट में 9 को हियरिंग है, कल जो है फाइनल ऑर्डर आ भी सकता है या फिर एक आध डेट आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि रेलवे ने कहा है कि हम अक्टूबर एंड तक अपनी वैकेंसी प्रोसेस पूरी करा देंगे। ठीक है, कोर्ट में रेलवे ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और तब हाई कोर्ट के जज ने इस पर कहा है कि अब जो है अब वैकेंसी तभी कंप्लीट करा पाएंगे जब उससे पहले ये मामला पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, यानी कि जो पेटिशनर का कंप्लेन था कि हमारी बात सुने बगैर रेलवे आगे बढ़ते जा रहा है, तो अब ऐसा नहीं रहेगा। आप अभी बीच का तो प्रोसेस करा सकते हैं, बट ज्वाइनिंग वगैरह आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीच का प्रोसेस भी हो गया कहा है, जब कल ही आपका हियरिंग है कैट में। तो ठीक है, तो कैट से कल फाइनल ऑर्डर आ सकता है, यानी कि पेटिशनर केस जीत भी सकते हैं और रिवाइज रिजल्ट कैंसिल भी हो सकता है, और उनको इसका बंपर फ़ायदा हो सकता है जो CBT 2 के बाद बाहर हो गए हैं, या फिर CBT 2 के मतलब पास तो किए बट बॉर्डर पे हैं, फाइनल सिलेक्शन का चांस नहीं दिख रहा है। तो आप लोग फ्रेंड्स इन पेटिशनर्स का सपोर्ट कर सकते हैं, इन्हें पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, 15,000 रुपये की ज़रूरत है, अभी तक इनके पास 5,000 रुपये की व्यवस्था हो पाई है, तो आप इन्हें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए और उन तक ये वीडियो पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, यानी जो लोग फ्रेश रिजल्ट में क्वालिफाइड थे और रिवाइज रिजल्ट की वजह से उनका खतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो ऐसे लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स। कल इसका जो हियरिंग है वो कैट में होने वाला है, हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आप कैट जाइए, रेलवे आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाएगा, ज्वाइनिंग नहीं देगा बिना आपका मामला ख़त्म किए, यानी कि हाई कोर्ट ने इनका एक ही दिन में मदद कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है कि रेलवे ज्वाइनिंग नहीं करा सकता है। अब क्या करना है, जो भी ये कैट के हाथ में, अगर कैट में भी ये लोग केस जीत जाते हैं तो फिर समझिए मामला बहुत उलटफेर होगा, यानी कि हो सकता है फिर से लोग CBT 2 कराए, या फिर हो सकता है जो रिवाइज रिजल्ट वाले उनको केवल बाहर कर दे और CBT 2 में केवल इन्हीं को काउंट करके रहने दे, टाइपिंग में केवल इन्हीं को काउंट करके रहने दे। जो भी होगा वो आगे इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी क्या है, जो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि वाकई में रिवाइज रिजल्ट कैंसिल हो, तो वो लोग इनके मतलब ग्रुप से जुड़ जाए, इनका टेलीग्राम ग्रुप है, नाम है RRB NTPC कोर्ट केस। ठीक है, और वहाँ पर आप पेमेंट भी कर दे KMNNG को, ठीक है, वो ग्रुप एडमिन है और वही सब कुछ कर रहे हैं, इस केस के लिए बहुत अधिक पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, तो आप इनका हेल्प करिए अगर आप चाहते हैं कि मतलब कुछ इनका हो, क्योंकि वो लोग वाकई में काफ़ी परेशान थे, 4-5 बार नए तरीके से केस किए, तब जा करके कहीं इनको एक ऑर्डर मिला है इनके पक्ष में कि हाँ मतलब कि वैकेंसी पर रोक लगनी चाहिए और इनकी बातों को सुने बगैर वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये लोग 1,00,000 रुपये से ऊपर खर्च कर चुके हैं अब तक। ठीक है, लेकिन अभी तक इनको कोई सही रिस्पॉन्स नहीं मिला था इसको छोड़ करके, अब रिस्पॉन्स मिल चुका है, अब कल कोर्ट में हियरिंग है, कैट में हियरिंग है, और वहाँ पर ममता मैम ही रहेंगी, कोई और नहीं रहेगा, तो शायद इनको जीत भी मिल सकती है। अब जो भी होगा वो कल कन्फर्म हो पाएगा फ्रेंड्स। तो कल का अपडेट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको अपडेट तत्काल दे सकूं, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं, फिर कहते हैं मुझे अपडेट नहीं मिला, मेरा वीडियो नहीं मिला, वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स बेल आइकन भी प्रेस कर लो, अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी तो प्रेस नहीं किए हो तो, क्योंकि कल जो है धमाकेदार खबर आने वाली है, इस वैकेंसी को लेकर के बहुत से लोगों का सपना टूटने वाला है, बहुत से लोगों का फिर से उम्मीद बनने वाला है, क्योंकि जो रिवाइज रिजल्ट वाले होंगे वो बाहर हो सकते हैं पूरी तरीके से। अब कहेंगे वो फिर से केस करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है, जो रेलवे ने अपना रिप्लाई दिया था कोर्ट में, उसमें साफ साफ कहा गया प्रोटेस्ट की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा है। ठीक है, और हमें हाई पावर कमेटी बनानी पड़ी, यानी कि रेलवे अपने मन से कुछ भी नहीं किया था, केवल दबाव में आकर रेलवे ने ऐसा काम किया है, यानी कि ये एक इलीगल काम था, और ऐसा ही सेम प्रोसेस आप देखें BPSC में भी होने वाला था। ठीक है, बीच में लोग रूल चेंज कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, वहाँ भी बोला कि बीच में हम अपने प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते हैं, तो BPSC ने अपना कदम वापस खींच लिया है। तो ऐसा ही रेलवे को भी करना पड़ सकता है, इनको अपना पुराना नियम लागू करना पड़ सकता है, क्योंकि क्या होता है कोई भी वैकेंसी प्रोसेस जब चलता है, एक बार स्टार्ट हो जाता है, तो बीच में उसमें रूल्स चेंज करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता है, चेंज आप उतना ही कर सकते हैं जितने से किसी को नुकसान ना हो, अगर किसी को नुकसान होता है तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो, फिर वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, और यही चीज़ BPSC को धमकी दी है, फिर BPSC ने अपना कदम वापस ले लिया, और रेलवे भी ऐसा कर सकता है अगर कोर्ट का ऑर्डर ऐसा आ जाता है तो। लेकिन जो भी होगा फ्रेंड्स वो कल देखने का मिलेगा कि कल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग इस कोर्ट केस को सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग उनका टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और उन्हें कुछ पेमेंट कर दीजिए, 300, 400, 500 जितना हो सके पेमेंट कर दीजिए,
क्योंकि कल एक तरह से एक फाइनल हियरिंग है, हो सकता है इसके बाद कोई डेट जाए, एक आध डेट जा सकता है, उससे अधिक नहीं जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कल ही वैसे फाइनल हो जाएगा। ठीक है, जो भी अपडेट होगा कल शाम तक मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।